खनिया थाना थाना क्षेत्र के नथनवारा नहर से अवैध रेत का परिवहन करते हुए पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर थाना परिसर में रखवा दिया है। बता दें कि खनिया थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर ट्राली अवैध रेत से भरी हुई है, जो कि नथनवारा की नहर से होते हुए खनिया थाना जा रहा है। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची और पुलिस की गाड़ी देखकर ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्राली नहर पर छोड़कर फरार हो गया। रेत का अवैध रूप से परिवहन कर ट्रैक्टर ट्राली को पुलिस ने जब्त कर थाना परिसर में रखवा दिया। ट्रैक्टर मालिक और चालक पर माइनिंग चोरी व अवैध खनन अवैध परिवहन का मामला दर्ज किया गया है। हाल ही में शिवपुरी प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कलेक्टर व SP को सख्त निर्देश दिए हैं कि शिवपुरी जिले में अवैध रेत का उत्खनन व परिवहन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके परिणाम स्वरूप आज थाना पुलिस ने अवैध रेत का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया है और ट्रैक्टर मालिक व चालक पर कार्यवाही की गई है। आज एक ट्रैक्टर पकड़ा है रेत से भरा, क्या कार्रवाई है, कहां से पकड़ा है? इसमें जरिए मुखबर सूचना मिली थी कि ट्रैक्टर जो है ननवारा गांव की नहर से आ रहा है, तो उक्त सूचना पर मैं गया था वहां पर, तो ट्रैक्टर जो है उसने पुलिस वाहन देखा और ट्रैक्टर रोक के नहर की पट्टी पे ही चालक भाग गया और उस रेत से भरा ट्रैक्टर मैं ट्रॉली के मैं जब्त कर लाया। इस पर से मैंने चोरी माइनिंग चोरी और उत्खनन अधिनियम की FIR काटी है।